इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली दौरे पर हैं सीएम, तो वहीं दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुछ ही देर में दोनों के बीच ये मुलाकात होगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली के कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम मनोहर लाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कई अहम मुद्दों पर यहां पर बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है, विचार विमर्श जो है वो किया जा सकता है। और मुख्यतः ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में इस वक्त कोरोना से हालात मौजूद हैं, उन हालातों को लेकर चर्चा यहां पर की जा सकती है और ब्लैक फंगस को लेकर यहां पर चर्चा की जा सकती है। जिस तरीके से लगातार इस वक्त महामारी का दौर जारी है, तो इन बीमारियों को लेकर इस बैठक में या यूं कहें कि इस मुलाकात में ये चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो वहीं से बीच हमारे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से यहां पर सीएम दिल्ली के दौरे पर हैं, तमाम मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है, तो वहीं से बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, तो क्या कुछ लगता है किन अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो की कल दिल्ली पहुंचे थे और आज अगर बात करें तो अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि जब मुख्यमंत्री से जानकारी मिली है कि ये कोविड को लेकर चर्चा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलेंगे। एक अगर बात करें जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया हैं, और जब वो अगर बात करें प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं अपने, जब हरियाणा के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जरूर रहेगी, चाहे वो कोरोना हो या फिर किसान हो, क्योंकि किसानों का भी एक बड़ा मुद्दा पिछले छह महीनों से अगर बात करें तो इस वक्त ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा की इसलिए क्योंकि हरियाणा में, चाहे वो हम बात करें सिंगू बॉर्डर की बात की जाए, चाहे हम इसके ज्यादा टिगरी बॉर्डर की बात की जाए, जिस तरीके से जब किसान है वो इन तमाम सीमाओं पर हरियाणा के परिसर में बैठे हैं, तो इन मुद्दों को लेकर के भी जो चर्चा है वो हो सकती है। अब से कुछ देर के बाद मनोहर लाल प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जिसमें प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। दीपक, आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे किस तरीके से सीएम का पूरा आज का दिन, जो आज का पूरा कार्यकाल है, किस तरीके से रहेगा? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्योंकि आपसे कुछ देर में जाकर के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। हालांकि केंद्र सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल जो है, दूसरे अगर बात करें जो कार्यकाल है जिसमें अगर बात करें तो केंद्र में सरकार बनने के बाद ये दो साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बधाई की बात है। और केंद्र सरकार की जो योजना है उसको लेकर प्रदेश में किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी चर्चा जो है यहाँ पर की जाएगी इस वार्ता के दौरान। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें जब चर्चा के लिए जा रहे, तो कोरोना की परिस्थितियां, किसानों के मुद्दे, इसके अलावा प्रदेश में जो जो भी और कदम उठाए गए, ऐसे तमाम मुद्दों को भी लेकर चर्चा की जाएगी। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।